ब्रह्मांड, इस नाम को सुनते ही हमारे दिमाग में ग्रह, नक्षत्र, तारे और ना जाने क्या क्या, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं और इसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह ब्रह्मांड इतने रहस्यों से भरा पड़ा है कि जब भी वैज्ञानिकों ने इनके रहस्य को सॉल्व किया, तब तब इन वैज्ञानिकों के सामने कई और रहस्य आए, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का फैलाव ही इतना है कि इसके बारे में पूरी तरह से जान पाना ही इम्पॉसिबल सा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रदर स्टार आपको मेरे एक नए वीडियो मिस्टीरियस यूनिवर्सल फैक्ट में स्वागत करता हूँ, जिसमें आज हम इन ग्रह, नक्षत्र, तारों और इस ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसके आने वाले नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नंबर वन, ब्रह्मांड की शुरुआत। जब भी आप आकाश की ओर देखते होंगे तो ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इन तारा मंडल का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत का सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है, जिसे बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी ने बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा एक बिंदु में कैद थी, परंतु अचानक से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए, जो आज तक निरंतर फैल रहा है। पर आप बोलोगे कि इसमें रहस्य लायक है क्या जो अनसॉल्वड है, तो हम आपको बता दें कि कई वैज्ञानिक इस थ्योरी को मानते ही नहीं है। उनका कहना यह है कि कोई भी घटना को होने के लिए समय की जरूरत होती है, पर बिग बैंग से पहले समय ही नहीं था, तो बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग कैसे घटित हुआ। और इसी प्रकार के कई सवाल वैज्ञानिक के मन में चलता रहता है, जिसे यह अनसॉल्वड मिस्ट्रीज बनकर रह गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे, पर फिलहाल बिग बैंग को ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति माना जाता है। नंबर टू, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। आपको तो पता ही होगा कि अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, और बाकी 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से, जिनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। पर वैज्ञानिकों का मत यह है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बांध कर रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, इस कारण से अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव ही नहीं है। पर वैज्ञानिकों का कहना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है, इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है, पर इन पदार्थों को समझ पाना इम्पॉसिबल है, इसी कारण यह अब तक एक मिस्ट्रीज ही बनकर रह गया है। नंबर थ्री, मंगल ग्रह। एक समय में मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा ही था, वहां पर भी बड़े बड़े समुद्र और जल धाराएं बहती थी। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि करोड़ों साल पहले हुई गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई होगी, इसी कारण से सतह का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा, या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया होगा। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्राणी मंगल ग्रह पर जीवित होगा तो जल के अभाव और सूर्य का हानिकारक रेडिएशन के कारण उसी वक्त खत्म हो गया होगा। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुव में जमा हुआ है, यानी करोड़ों साल पहले मंगल भी पृथ्वी की तरह ही थी। पर वैज्ञानिकों के मन में इस बात पर अभी भी मतभेद हैं कि मंगल ग्रह पर पहले जीवन हुआ होगा। तो इस पर आपको क्या लगता है, ये कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। क्या मंगल आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी की तरह ही थी, क्या इस पर भी जीवन था?
तो ये आखिर में कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो हम आपको बता दें कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे जैसी ही इस ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाश गंगाएं मौजूद हैं। पर एक रिसर्च से ये भी पता चला है, ये आकाश गंगाएं 150 बिलियन से भी 250 गुना अधिक हो सकती है। यानी कि इस ब्रह्मांड का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। यानी ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये बता पाना नामुमकिन है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।